नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं। आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज 7वें और अंतिम चरण के लिए लोकसभा के 57 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके साथ ही 7 चरण तक चला एक लंबा चुनावी प्रक्रिया में मतदान का काम खत्म हो गया है। तो अपने आप में एक तरीके से वोटिंग का काम आज 2024 के चुनाव में पूरा हुआ है। लेकिन जैसे ही चुनाव का आज वोटिंग का काम पूरा हुआ है, उसके बाद से लगातार तमाम एजेंसियां एग्जिट पोल के आंकड़े उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया और अनुमान के आधार पर किसकी बन रही है सरकार, इसको लेकर लगातार कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन अभी तक कई संस्थाओं के एग्जिट पोल लगभग अपने सारे नंबर्स तक सेटल हुए हैं, तो कई के अभी आना आंकड़े अंतिम आना बाकी है। लेकिन अभी तक के जो रुझान है उसके आधार पर एक तस्वीर साफ हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार भी सरकार बनाने जा रहा है। कम से कम ये बात स्थापित होती दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, अभी काउंटिंग के असली नतीजे आना बाकी है। किस प्रकार के हैं आंकड़े, इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होने के साथ पूरी हुई लोकसभा चुनाव 2024 की मतदान प्रक्रिया। 7 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश की 57 सीटों के आखिरी रण में आमो खास ने डाले वोट। 59.13% रहा मतदान प्रतिशत। 7वें और आखिरी चरण का रण रहा दिग्गजों के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद के अलावा रामकृपाल यादव और अनुप्रिया पटेल का भविष्य ईवीएम में हुआ कैद। 4 जून को सामने आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी में 2 दिवसीय ध्यान साधना हुई पूरी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बाहर आए प्रधानमंत्री। साधना को लेकर विपक्ष की टिप्पणियों पर भाजपा का पलटवार। विपक्ष पर ध्यान साधना से ही घबराने का या कटाक्ष। चुनाव परिणाम से पहले दिल्ली में लगा एनडीए गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 सीटों के साथ लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का किया दावा। एग्जिट पोल डिबेट में भी विपक्षी दल के नेताओं की भागीदारी की कही बात। एग्जिट पोल के बीच जीएसटी कलेक्शन पर आई अच्छी खबर। 1.70 लाख करोड़ के पार रहा मई में जीएसटी कलेक्शन। दर्ज की 10% की वृद्धि। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। कोर्ट ने केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने से किया इनकार। कल दोपहर 3 बजे तक तिहाड़ जेल में करना होगा सरेंडर। गर्मी से हाफती दिल्ली में गहराया जल संकट। पानी की किल्लत से राजधानी के लोग बेहाल। हरियाणा पर पानी रोकने के आरोप पर दिल्ली सरकार पर बरसे हरियाणा के मुख्यमंत्री। कहा भ्रष्टाचार पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दें केजरीवाल। भीषण गर्मी से तपते राजस्थान को राहत मिलने की उम्मीद। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी और पूर्वी इलाके में छाए बादल। अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना। राजधानी दिल्ली में भी तपिश हुई थोड़ी कम। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में मतदान के साथ आज 2024 के चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर आज हुआ मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बंगाल से जरूर कुछ हिंसा की खबरें सामने आई हैं। वाराणसी सीट पर सभी की नजरें लगी रहीं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं इस आखिरी चरण में कई दिग्गजों की चुनावी किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में बंद हो गया। कैसा रहा आज का ये चुनाव, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व अब समाप्ति की ओर है। लोकसभा चुनाव के लिए देश में 19 अप्रैल से शुरू हुई 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया शनिवार को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के साथ संपन्न हो गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनने के लिए बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्ग के मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्से में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। 7 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
खास तौर पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। जैसे अपने हक अधिकार की हम लोग बात करते हैं, तो एक वोट देके और लोकतंत्र को मजबूत बनाए और अपने घर से वोट जरूर करके निकले। पहली बार वोट देना था तो लगा कि इस बार तो कुछ तो करेंगे हम लोग इतने बार अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। इस बीच महिला शक्ति भी महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आईं। मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें यह साफ संदेश देती नजर आईं कि आधी आबादी अपनी सरकार चुनने के लिए बहुत ही जागरूक है। जो विकास करे, जिससे हमारे देश की प्रगति हो, विकास हो, बच्चे की शिक्षा अच्छी हो, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। जिसने विकास करेगा हमारी सिटी को, उसी को चुनना मैं पसंद करूंगी। वहीं देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। इसी कड़ी में भारतीय सेना के जवानों ने फिरोजपुर कैंट के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था भी नजर आई। मतदाता के मन में अभी सिर्फ विकास का मुद्दा है और विकास के उद्देश्य से लोग यहाँ पर निकले हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में देखने में आया है। तो देश में आप देख रहे हैं इतने रोड के जाल छा गया है। ये आपको नए नए ट्रेन्स, फास्ट ट्रेन्स हो रहे हैं पब्लिक की सुविधा के लिए। बहुत सा इवेंट है, बहुत सा चीज़ है इसमें, क्या गिनाया जाएगा यहाँ एक मिनट में, जो राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है और राष्ट्रहित भी देखना है, राष्ट्रहित देखना, दोनों ही देख कर मुझे वोट किया। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम कोशिशें भी की गई हैं, जो धरातल पर नजर भी आईं। चुनाव आयोग की तरफ से मॉडल बूथ के साथ पिंक और यूथ बूथ भी बनाए गए थे। गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था की गई थी। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए थे। इस बीच पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के छिटपुट वारदातों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। दक्षिण 24 परगना के कुलतली में गुस्साई भीड़ ने मतदान केंद्र में घुसकर हंगामा किया और फिर एक ईवीएम मशीन और वीवीपैट को उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया। बाद में हंगामा कर रहे उपद्रवियों को पुलिस ने मतदान केंद्र से भगाया। सातवें और अंतिम चरण में जिन 57 सीटों पर वोट डाले गए उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट शामिल है। इस चरण के मतदान के साथ ही इन 57 सीटों पर कुल 904 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अगर बात की जाए 2019 के चुनाव नतीजों की, तो सातवें चरण की इन 57 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी को 9 सीट, कांग्रेस को 8, बीजेडी को 4 और जेडीयू को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बसपा को 2, शिरोमणि अकाली दल को 2, अपना दल सोनीलाल को 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। फिलहाल अब लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 4 जून को जब मतगणना होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मतदाताओं ने किसके पक्ष में जनादेश दिया है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और आम चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में क्या आम और क्या खास, सबने बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के महापर्व में आज हिस्सा लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और दिग्गजों ने भी आज लाइन में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सातवें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, चरणजीत सिंह चन्नी, हरसिमरत कौर बादल, मनीष तिवारी और अभिषेक बनर्जी सहित तमाम दिग्गजों की किस्मत भी आज ईवीएम में बंद हो गई। अठारहवीं लोकसभा के चुनाव के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। सातवें और अंतिम चरण के मतदान में आम लोगों के साथ साथ खास लोगों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के लिए हुए मतदान में मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी को टक्कर दे रहे कांग्रेस प्रत्याशी अजय रॉय ने वाराणसी के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने परिवार के साथ वोट डाला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
भाजपा नेता आरपीएन सिंह ने कुशीनगर में और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए की लोकसभा प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में अपना वोट डाला। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अरविंद राजभर ने बलिया में वोट किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने गोरखपुर में अपना वोट डाला। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जनता तय करती है। प्रधानमंत्री पहले भी प्रधानमंत्री हार चुके हैं और बनारस के लाल ने ही हराया है, चिंता मत करो, काम करो। इस बीच अंतिम चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर के गांव मंगवाल में वोट डाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने गांव पंज कोसी में अपना वोट डाला। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपनी पत्नी और बठिंडा लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल के साथ वोट डाला। वहीं आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आनंदपुर साहिब निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। पूर्व क्रिकेटर और आप सांसद हरभजन सिंह ने जालंधर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। पूर्व राजनयिक और अमृतसर से भाजपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू ने अमृतसर में, भाजपा नेता जयवीर शेरगिल ने जालंधर में, पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर गांधी ने पटियाला में और पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरदासपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने चंडीगढ़ के एक मतदान केंद्र से वोट डाला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के समीरपुर गाँव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हिमाचल की हॉट सीट मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने सरका घाट के एक मतदान केंद्र में मतदान किया। वहीं मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने अपनी मां और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ वोट डाला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। मैं सबसे अपील करता हूँ कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303 इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है कि ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता को जीतना होगा और इस चुनाव में जनता जीतेगी और धनबल हारेगा। जनबल की जीत होगी, धनबल की हार होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार में पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने पटना में वोट डाला। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में मतदान किया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य के साथ पटना में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। वहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने भी पटना में मताधिकार का इस्तेमाल किया। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने पटना में मतदान किया। खूब वोट दें, आज तो गर्मी भी कुछ कम हुई है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो बहुत उत्साह लोग देख रहे हैं, वोट देंगे और बहुत निर्णायक विजय हो रही है देश में, बिहार में और पटना साहिब में। हम लोग 300 प्लस रहेंगे, बिहार में चौंकाने वाला इतना सीट ला रहा है जिससे बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी केंद्र। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी कई बड़ी शख्सियतों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टीएमसी के महासचिव और डायमंड हार्बर सीट से उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट से माकपा उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने अपना वोट डाला। कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। वहीं जादवपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिर्बान गांगुली ने अपने वोट का प्रयोग किया। इसके अलावा नुसरत जहां ने भी वोट किया।
सातवें चरण के चुनाव में भाजपा समेत एनडीए के दिग्गज उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जो कि लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से आर के सिंह, चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, पटियाला से परनीत कौर, गोरखपुर से रवि किशन, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, बालासोर से प्रताप चंद सारंगी, गोड्डा से निशिकांत दुबे, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में हैं। अब सबकी नजरें 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसके सिर पर जीत का ताज सजता नजर आएगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो सातवें दौर का आज मतदान पूरा हो गया, लेकिन इससे पहले भी लगातार 6 चरण में वोटिंग होती रही है। क्या कुछ रहे हैं बड़े तथ्य, किन किन सीटों पर वोटिंग हुई, आपको कुछ आपको आंकड़ों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले दौर का जो वोटिंग थी वो 19 अप्रैल को शुरू हुई, वो मतदान हुआ उस दिन, और 21 राज्यों की 102 सीटों पर फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई और 66% से ज़्यादा मतदान भी हुआ था। यानी पहला फेज शुरू हुआ था 19 अप्रैल को, 21 राज्यों की 102 सीटों पर 66% वोटिंग हुई थी। जल्दी से अगले तथ्य पे आते हैं और आपको बताते हैं कि इस लंबे चले चुनाव की प्रक्रिया में कौन कौन से बड़े पड़ाव देखने को मिले हैं। 2019 के नतीजे, पहले चरण की जो 102 सीटें थी उसमें अगर बात की जाए तो किस प्रकार के उन सीटों पर 2019 के नतीजे थे, उसमें भाजपा 40, कांग्रेस 15, डीएमके 24 और 23 पर अन्य पार्टियों का कब्जा रहा था। पहले तथ्य की अगर पहले चरण की हम बात करें तो इसी प्रकार से अगले हम चरण के लिहाज से बात करें तो दूसरा चरण 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर और मतदान प्रतिशत 68% लगभग 59% के आसपास हुआ था और 14 प्रदेशों में मतदान एक तरीके से संपन्न हो गया था इस फेज में, जब ये दूसरा फेज कंप्लीट हुआ था। तो ये अपने आप में दूसरे फेज की बात थी। इसी प्रकार से दूसरे फेज की जो सीटें थी 88, उनका 2019 में किसके हिस्से गई थी अगर हम वो देखें तो भाजपा के हिस्से में 52 सीटें, कांग्रेस 18, जदयू 4, शिवसेना 4 और अन्य के खाते में 10 सीटें गई थी। यानी उन सेकेंड फेज की सीटों का 2019 का ये आंकड़ा है, क्योंकि 4 जून को नए आंकड़े पता लगेंगे। इसी प्रकार से हम अन्य तथ्यों को अगर समझने की कोशिश करें तो तीसरा चरण 7 मई को हुआ था, 12 राज्यों की 93 लोकसभा सीटें दांव पर थी और मतदान लगभग 66% के आसपास हुआ था इस तीसरे दौर में 7 मई के मतदान में। और इसी तरीके से उस तीसरे चरण के 2019 के नतीजों को अगर समझने की कोशिश करें तो 71 पर बीजेपी को जीत मिली थी 2019 का हम जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस 4, शिवसेना 4, जदयू 3, एनसीपी 3 और अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। ये तीसरे फेज की उन सीटों का हमने 2019 का आंकड़ा बताया। इसी प्रकार से अगर तीसरे चरण में हम राज्यवार बात करें किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर वोटिंग हुई थी तो गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग हुई थी, क्योंकि एक सूरत की सीट निर्विरोध निर्वाचित की जा चुकी है, 26 सीटें हैं वहां पर। उत्तर प्रदेश की 16, बिहार की 9, छत्तीसगढ़ की 7 और कर्नाटक की 14 सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग हुई थी, जब तीसरे दौर की वोटिंग हुई थी। तो ये अपने आप में तमाम तथ्य एक तरीके से हम रिकॉल कर रहे हैं। चौथे चरण की बात की जाए तो 13 मई को वोटिंग हुई थी, 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी और लगभग करीब 70% के आसपास वोटिंग हुई थी इस चौथे दौर में 96 सीटों पर। और कौन कौन से राज्यों की कितनी सीटें थी ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प है। और चौथे दौर की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर, बिहार में 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की सभी 17, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर इस चौथे चरण में वोटिंग हुई थी। तो अपने आप में एक बड़ा एक तरीके से देखा जा सकता है ये दौर रहा था। पांचवें चरण में मतदान 20 मई को हुआ, 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटें दांव पर थी। लोकसभा सीटों की संख्या के आधार पर यह पांचवां चरण सबसे छोटा था और लगभग 62% से ज्यादा वोटिंग यहां पर भी देखने को मिली थी। तो यह पांचवें चरण का हमने आपको तथ्य बताया। और पांचवें चरण में किन किन राज्यों में कितनी कितनी सीटों पर वोटिंग हुई थी तो बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 3, लद्दाख 1, महाराष्ट्र की 13, ओडिशा की 5, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर पांचवें चरण में वोटिंग हुई थी, जब इन तमाम राज्यों में यहां पे मतदान हमको देखने को मिला था। इसी तरीके से पांचवें चरण में 2019 के उन सीटों के नतीजे क्या थे तो बीजेपी के पास 32, बीजेडी 2, शिवसेना 7, टीएमसी 4, कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। ये पांचवें चरण की उन सीटों का 2019 का नतीजा
दिखा रहे हैं हम आपको। इसी तरीके से अगर बात की जाए छठे चरण की, तो 25 मई को वोटिंग हुई थी, 7 राज्यों की 58 लोकसभा सीटें दांव पर थी और यहां पर करीब 65% के आसपास वोटिंग देखने को मिलती थी जब छठे चरण का 25 मई को वोटिंग हुई थी, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण। लेकिन किन किन राज्यों में वोटिंग हुई थी इस छठे चरण में? दिल्ली की सभी 7 सीटों पर, हरियाणा की 10 सीटों पर, बिहार की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर इस छठे चरण में वोटिंग देखने को मिली थी। तो ये अपने आप में वो तमाम राज्य थे जहां पर वोटिंग हुई थी। और इन्हीं सीटों का 2019 का जो आंकड़ा था जीत का, प्रदर्शन का, वो क्या था? भाजपा के हिस्से में 40, बीएसपी 4, बीजेडी 4, जेडीयू 3, टीएमसी 3 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। ये छठे चरण की उन सीटों का 2019 का नतीजा हमने आपको दिखाया, तो ये छठा चरण था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए आज के 7वें चरण की, आज हम 1 जून को बात कर रहे हैं, आज वोटिंग हुई है 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई और ये मतदान का प्रतिशत लगभग 58% है। लेकिन ये शाम 5 बजे के आसपास का आंकड़ा है, ये अंतिम आंकड़ा नहीं है और इस आंकड़े में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। और 7वें चरण में किन किन राज्यों में आज कहां वोटिंग हुई है? पंजाब की सभी 13 सीटों पर, हिमाचल की सभी 4 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की बची हुई 13 सीटों पर, बिहार की बची हुई 8 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ में 1 ही सीट है, वहां पर भी आज वोटिंग हुई है। तो ये 57 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई है, शाम 5 बजे तक 58-59% के आसपास वोटिंग हुई है, लेकिन वो अंतिम आंकड़ा नहीं है, उसमें अभी एक तरीके से बढ़ोतरी हो सकती है। और ये 7वें चरण में 2019 के नतीजे, मतलब यहां पर किसका 2019 में क्या प्रदर्शन था, तो भाजपा के हिस्से में 25 सीटें आई थी, टीएमसी 9, कांग्रेस 8, बीजेडी 4 और अन्य के खाते में 11 सीटें गई थी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि इस प्रकार से ये तमाम स्थितियां थी। लेकिन आज के बाद अब 4 तारीख को सबको नतीजे का इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल लगातार चल रहा, उसके बारे में भी हम आपको खबर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी, अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए, और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। दिल्ली में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विपक्षी दलों ने एग्जिट पोल की बहस में शामिल न होने के अपने फैसले को भी वापस ले लिया। बैठक में तय हुआ कि मतदान के बाद टीवी पर एग्जिट पोल की बहस में इंडी गठबंधन के सभी दल हिस्सा लेंगे। हालांकि इस दौरान बैठक में गठबंधन के 4 बड़े चेहरे महबूबा मुफ्ती, M.K. स्टालिन, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी के शामिल ना होने पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हुए। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटों पर जीत हासिल करेगा। आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे, और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस, 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है,
और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इंडिया गठबंधन के 295 सीटें जीतने के दावे पर कटाक्ष किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें 2-3 दिन कहने दें, इसके बाद वे कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार भाजपा एनडीए मिलकर 400 पार और अकेले भाजपा 370 पार जाएगी। उनको 2-3 दिन कह लेने दो ना, इसके बाद क्या कहेंगे मैं बता देता हूँ। ईवीएम में गड़बड़ हो गई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिला के 400 पार और अकेले बीजेपी 370। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि इंडिया अलायंस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि इसका प्रमाण ममता बनर्जी और उन लोगों ने दे दिया है जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। अंतिम फेज आते आते इंडी अलायंस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि इंडी अलायंस की मीटिंग में ममता बनर्जी जी नहीं जाने वाली है। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं आउटसाइड सपोर्ट दूंगी। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से अंतिम फेज आते आते दिल्ली में जो दोस्ती कर रहे थे वो पंजाब में आके दुश्मनी करने लगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर भी शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें खड़गे ने प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताया था। शहजाद पूनावाला ने कहा कि ममता दीदी ने और अरविंद केजरीवाल ने पहले ही साफ बता दिया था कि राहुल गांधी को इंडिया अलायंस के चेहरे के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन द्वारा एग्जिट पोल में हिस्सा लेने के मुद्दे पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट पर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पोस्ट में लिखा है कि खुद को पूरी तरह बेवकूफ बनाने के 24 घंटे बाद कांग्रेस ने एग्जिट पोल का बहिष्कार करने का अपना फैसला वापस ले लिया। जो पार्टी इतना आसान फैसला नहीं ले सकती, वह भारत पर शासन करना चाहती है। कांग्रेस ने पहले एग्जिट पोल का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। एमडीएच कश्मीरी। एमडीएच क्यूरियोसिटी कैन टेक यू टू सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस। टुक मी टू द मून टुडे। Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. Swad se sabko deewana kar de, deewana kar de. Pata ka chai, ghazab ka swad. मैके जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। एमडीएच, एमडीएच। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। बड़ा मिथक देशद्रोह को लेकर है कि राजद्रोह का नया रूप देशद्रोह है। असल में औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए लागू की गई राजद्रोह की धाराओं को हटा दिया गया है। सरकार के प्रति नफरत पैदा करने वाली अभिव्यक्तियों को अपराधीकरण से परे रखा गया है, जबकि देश की अखंडता की रक्षा पर खतरा पैदा करने वाले सशस्त्र विनाशकारी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान है। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज जब सातवें दौर की वोटिंग खत्म हो गई, उसके बाद में एग्जिट पोल के आंकड़े तमाम चैनल्स एजेंसियां देते नजर आ रहे हैं। ये एक बार आपको उन आंकड़ों को दिखाते, फिर उस पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से अभी तक कई एजेंसीज ने अपनी जो अपने एग्जिट पोल के आंकड़े वो रखे हैं। आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर
न्यूज एक्स के चैनल के तहत उनकी सहयोगी एजेंसी के माध्यम से जो आंकड़े आए हैं वो दिखा रहे हैं, बीजेपी को वो 315 सीटें देते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को 60 और अन्य के खाते में 47 सीटें जा सकती हैं। ये एग्जिट पोल है न्यूज एक्स और उनके साथ सहयोगी उनकी एक्सेस टीम का। इसके अलावा हम अन्य अगर तथ्यों को देख सकें, अन्य एजेंसीज ने क्या कुछ आंकड़े दिए हैं, क्योंकि बीजेपी की यहाँ सरकार सीधे तौर पर बनती दिखाई पड़ रही है। रिपब्लिक भारत का बात की जाए तो एनडीए को 353 से 368 सीटें, इंडिया अलायंस को 118 से 133 और अन्य के खाते में 43 से 48 सीटें जा सकती हैं। रिपब्लिक भारत का ये आंकड़ा दिखा रहा है। यहाँ पर भी कंफर्टेबल तरीके से एनडीए और बीजेपी की सरकार बन रही है। अगली एजेंसी के तथ्य की ओर अगर हम जाएं तो अब क्या आंकड़ा निकल के आ रहा है, जन की बात का जो एग्जिट पोल है वो कहता है कि एनडीए को 362 से 392 तक सीटें मिल सकती हैं, इंडिया अलायंस को 141, जबकि अन्य के खाते में सीटें जा सकती हैं 10 से लेकर 20 तक। यहां पर आंकड़ा और ज्यादा बढ़ता हुआ जन की बात के एग्जिट पोल का। आगे हम देखें किस एजेंसी ने कितना आंकड़ा दिया है, तो हम अगले तथ्य की ओर जाएं तो रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स की बात की जाए तो 359 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 154 सीटें और 30 अन्य के खाते में जा रही हैं। तो रिपब्लिक मैट्रिक्स का यह आंकड़ा है जो भी सीधे तौर पर एनडीए की सरकार सीधे तौर पर बनती दिखाई पड़ रही है। और पोल डी डायनेक्स की माध्यम से अगर बात की जाए तो एनडीए का आंकड़ा 371 तक छू सकता है, इंडिया अलायंस को 125 सीटें मिल सकती हैं और उनके खाते में 47 सीटें जा सकती हैं। ये डी डायनेमिक्स की एक तरीके से अपना अनुमान है, उन्होंने भी एग्जिट पोल किया है। तो ये हम तमाम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं जो सीधे तौर पर एक बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे एक तरीके से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। और इसी पे हम चर्चा करेंगे, इसी से जुड़ा हमारा विशेष भी है कि एग्जिट पोल में इस बार किसकी सरकार, क्योंकि सीधे तौर पर आंकड़े अपने आप से बहुत कुछ कहते हैं, एग्जिट पोल अब की बार किसकी सरकार। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, प्रफुल्ल केतकर जी संपादक ऑर्गेनाइजर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, इसके अलावा अदिति टंडन जी हैं एसोसिएट एडिटर हैं द ट्रिब्यून की, आप दोनों का स्वागत है। प्रफुल्ल जी, पहला सवाल यही, क्योंकि अभी तक जो भी तमाम एजेंसीज हैं कमोबेश मोटे तौर पर सीधे तौर पर एनडीए सरकार बनती दिखाई पड़ रही है, एक ये एक आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है, आप बाकी आंकड़ों को से क्या एक बड़ा संदेश देख रहे हैं? देखिए आर्यन्द्र, जब इलेक्शन ज्यादातर बाइपोलर हो तो भारत जैसे देश में वोटिंग परसेंटेज को देखना मुझे लगता है ज्यादा ठीक होगा। जो बड़ा नंबर दिखकर आ रहा है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए है वो 48 से लेकर 50% तक, 48 से 50% का वोट शेयर इन एग्जिट पोल्स में। हमको 4 जून को ही वास्तव में आंकड़े पता चलेंगे, लेकिन यदि एग्जिट पोल के आधार पर हमको चर्चा करनी है तो ये जो 48-50% वाला वोट शेयर है यदि वो ब्रीच कर जाती है बीजेपी और एनडीए तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक होगा। और फिर सीट कन्वर्जन का जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो भारत में सब जगह एक जैसा नहीं होता है, मोमेंटम यदि पकड़ता है तो उस स्टेट में वो पूरी तरीके से एक तरफ जा सकता है, नहीं यदि कांटे की टक्कर है और जहां पे 1-2% का ही वोट का मार्जिन है वहां पे वो कहीं पे भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। इसलिए मैं किस आधार पर कौन सी एजेंसी कितना वोट परसेंटेज दे रही है और उसके आधार पर कितना स्विंग दे रही है, लेकिन कुल मिलाकर पिक्चर यही दिख रही है कि बीजेपी एनडीए, बीजेपी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है वो मोटा मोटा अभी 350 के आंकड़े के आसपास का एक बड़ी पिक्चर आज के एग्जिट पोल में नजर आ रही है। ठीक है अदिति जी, आपको लगता है कि क्या एक बड़ा संकेत इन आंकड़ों से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये निश्चित तौर से ये अंतिम आंकड़े नहीं है और यही एग्जैक्ट होंगे ये कहना भी अपने आप में जल्दबाजी होगा, लेकिन कमोवेश सभी एजेंसीज में वो जो बात लास्ट में प्रफुल्ल जी ने कही कि 350 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, क्या ये एक स्टैटिक टाइप का एक आंकड़ा बहुत कुछ कहता है? देखिए आज जितने एग्जिट पोल्स देख रहे हैं उनकी एवरेज अगर फिलहाल तक निकाली जाए तो यही मैसेज आ रहा है कि एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि रिजल्ट्स अभी बाकी हैं, जून 4 को फाइनल पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन जो ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं मतलब अगर आप दोनों खेमों की इनसाइडर्स से बात कीजिए तो जैसे भाजपा के इनसाइडर्स का इंटरनल असेसमेंट बहुत देर से यही था, मतलब दो फेजेस अभी बाकी थे 6th और 7th, तब इंटरनल असेसमेंट उनका 307 से 315 सीट खाली भाजपा के लिए था,
और एनडीए पार्टनर्स का अलग था। तो जो मैं देख पा रही हूँ सब एग्जिट पोल्स एक चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि 2019 में भी भाजपा ने अपना कोर एरिया रिटेन करते हुए नॉर्थ इंडिया में नए गढ़ों में अपनी धाक जमाई थी, जैसा कि उन्होंने वेस्ट बंगाल में अचानक 18 सीटें जीती थी, पहले उससे पहले दो ही सीटें थी, उड़ीसा में एक ही सीट थी 2014 में, लेकिन उसके बाद 2019 में अचानक 8 सीटों पर आ गए, तेलंगाना में सिमिलरली 4 सीटों पर आ गए। तो देखिए भाजपा की स्ट्रैटेजी एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रैटेजी रहती है कि आप अपने कोर वोट बेस को, कोर एरियाज को संभाल के रखिए और एक्सपैंड करते रहिए। इस बार प्रधानमंत्री ने पूरे दक्षिण भारत में जिस तरीके से एग्रेसिवली कैंपेन किया हम सब ने देखा, खासकर तमिलनाडु में जी। आप सेंगोल से शुरू होकर सेंगोल का जो इंस्टॉलेशन था नए लोकसभा चेंबर में, उसके बाद काशी तमिल संगमम का ऑर्गेनाइज करना, दो एडिशंस उसकी हो चुकी हैं जी। संत थिरुवल्लूर को जाकर यूएन में उनके कपलेट्स और वर्सेस को पढ़ना, तो एक बहुत क्लियर साउथ इंडिया की तरफ ध्यान था। और ना सिर्फ साउथ इंडिया, ओडिशा में बहुत एग्रेसिवली लड़े, वेस्ट बंगाल में तो आप देख रहे हैं जी कि किस तरीके से इतनी वायलेंस भी हुई लेकिन सामने खड़े रहे टीएमसी के। तो एक स्ट्रैटेजी अगर देखी जाए तो बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि रणनीति के तौर पर बीजेपी एग्रेसिवली लगातार हर चरण दर चरण आगे बढ़ती रही। अब प्रफुल्ल जी आपको लगता है जो बात अदिति जी कह रही हैं उत्तर में अपने प्रदर्शन के यानी 2019 के प्रदर्शन को कमोवेश बनाए रखना और दक्षिण में नए किलों को फतेह करना, विश्वास हासिल करना, क्या ये एक मोटे तौर पर आंकड़े जो हैं इस समय जो अनुमान के आधार पे वो यही तस्वीर दिखाते नजर आ रहे हैं? निश्चित, देखिए आप जब आंकड़ों की बात करेंगे तो मुझे लगता है, फिर से मैं कहूंगा कि दो सीटें मिल रही है या चार सीटें मिल रही है या आठ सीटें मिल रही है तमिलनाडु में, ये केवल इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन एन एवरेज सारे एग्जिट पोल आज एनडीए को वहां पे 20-22% का वोट परसेंटेज दे रहे हैं, बीजेपी अलोन वो 15% तक पहुंच रही है, केरल में ये 18-20% तक जा रहा है। मुझे लगता है ये नंबर्स बहुत बड़े हैं यदि हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और नेशनल कॉन्टेक्स्ट को समझे, और खास करके जो ये कहा जाता था कि नहीं नहीं बीजेपी तो नॉर्थ की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की पार्टी है, अब शायद इस चुनाव के बाद ये कहने का मौका नहीं रहेगा, क्योंकि चाहे आंध्र प्रदेश का हो चाहे तेलंगाना का हो, कर्नाटक में तो पहले से था ही, केरल, तमिलनाडु, इधर उड़ीसा, बंगाल, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, सारा ही प्रदर्शन जो कुल मिलाकर दिख रहा है वहां पे बीजेपी एक पोल पोजिशन पर आकर, बीजेपी वर्सेस ऑल, जैसे एक जमाने में कांग्रेस वर्सेस ऑल या कांग्रेस एंटी कांग्रेस इस तरह का इक्वेशन हुआ करता था जी। आज हम ये पूरे भारत में एक पिक्चर बनती हुई दिख रही है कि हर भारत के क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बीजेपी एक सेंट्रल पोजीशन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाकर रखा है। बिल्कुल, दक्षिण से भी कम से कम जो अभी एग्जिट पोल के आंकड़े वो यही दिखाते हैं। दीदी जी आपको लगता है कि एक आध एजेंसीज के हम जिक्र करें, बल्कि एक से ज्यादा एजेंसीज हैं जो 400 के आंकड़े के पार तक एनडीए को ले जा रही हैं, हालांकि पूरा चुनाव 400 के पार एक तरीके से इर्द गिर्द घूमता रहा है, अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आपको लगता है कि ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है? दिलचस्प ये भी है, और इनफैक्ट इंडिया टुडे एक्सेस पोल जो काफ़ी सटीक रहा है पिछले कुछ चुनावों में, हमने देखा कि हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में भी उनकी सही प्रिडिक्शंस थी, हिमाचल को लेके वो बहुत सही थे, तो अगर उनका भी आंकड़ा देखा जाए तो एक दिलचस्प आंकड़ा जो वो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 1-3 सीटें भाजपा को दे रहे हैं तमिलनाडु में, और AIADMK को भाजपा से कम सीटें दे रहे हैं। तो प्रफुल्ल जी की बात को आगे ले जाते हुए, आपको अगर याद होगा कि बंगाल में आप बीजेपी की ट्रेजेक्ट्री देखिए, इन लोगों की रणनीति को समझने के लिए सिर्फ बंगाल को टेस्ट केस की तरह लीजिए। बंगाल में एक वक्त पर नेशनल इलेक्शंस में ममता बनर्जी के जूनियर अलाइज होते थे जी। उसके बाद ममता बनर्जी स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस के साथ जाती रही, और उसके बाद आज आके ममता बनर्जी के प्रिंसिपल चैलेंजर्स के शेप में खड़े हैं भाजपा जी। तो अपनी ये लोग मतलब जमीन पर उतर के जिस तरीके से संदेश खली की लड़ाई इन्होंने लड़ी, और आप दूसरी तरफ देखिए अधीर रंजन चौधरी जो वेस्ट बंगाल कांग्रेस के चीफ हैं, वो कहते रह गए अपनी पार्टी को कि अपने कार्डर्स के लिए खड़े होइए, टीएमसी आप ही के कार्डर्स के खिलाफ वायलेंस परपेट्रेट कर रही है और आप उन्हीं के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे। आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1998 में ममता बनर्जी कांग्रेस को इसीलिए छोड़ गई थी
क्योंकि कांग्रेस उस वक्त भी अपने कार्डर्स को लेफ्ट के खिलाफ बचाती नहीं थी जी। ममता बनर्जी यही पोजीशन लेके चली गई थी। आज अधीर रंजन जी की अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे वो भी सेम चीज कह रहे हैं कि मैं ममता बनर्जी को कैसे एक्सेप्ट कर लूं क्योंकि उन्हीं के लोग हमारे लोगों को मारते हैं। और आज ममता बनर्जी आज इंडिया अलायंस की बैठक में दिल्ली भी नहीं आई है, तो ये भी अंदर खाने कई बातें आ चुकी है, तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। प्रफुल्ल जी, वक्त खत्म हो रहा, अगर बहुत जल्दी से अगर 10-20 सेकंड में आप अपनी बात रख सकते हैं तो। ये इसलिए ये देखने की बात है आर्यन्द्र के इंडिया अलायंस में एग्जिट पोल किसको गिन रहे और किसको नहीं गिन रहे, ऑदर्स में किसको गिन रहे कौन और किसको नहीं गिन रहे, ये भी मुझे लगता है एग्जिट पोल के एनालिसिस का एक विषय होना चाहिए। बिल्कुल, और ये विषय अपने आप में चार तक चलता रहेगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी आपका, दीदी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया दोनों का। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया? बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। अच्छे भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याप सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याप भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर वन पशु आहार। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि भारत ने मतदान कर दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। उनकी सक्रिय भागीदारी हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण यह सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक भावना पनपे। मैं भारत की नारी शक्ति और युवा शक्ति की भी विशेष रूप से सराहना करना चाहूँगा। मतदान में उनकी मजबूत उपस्थिति एक बहुत ही उत्साहजनक संकेत है। वहीं सबके बीच आखिरी चरण के प्रचार के खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे थे, जहां उन्होंने करीब 45 घंटे का ध्यान लगाया। पीएम मोदी आज दोपहर बाद अपनी इस ध्यान यात्रा से वापस लौट आए। पीएम मोदी के ध्यान पर राजनीति भी जमकर देखने को मिली, जहां विपक्षी दल प्रधानमंत्री के पर निशाना साधते नजर आए तो भाजपा ने भी विपक्षी दलों के इस प्रयास को सनातन का विरोध करा दिया। पीएम मोदी इसी तरीके से 2019 के चुनाव के बाद या उस प्रचार के बाद में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपने 2 दिवसीय ध्यान और साधना का शनिवार को समापन किया। इससे पहले सुबह उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए कई जनसभाएं करने के बाद पीएम मोदी 45 घंटों के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे, जहां पूजा करने के बाद ध्यान साधना में डूब गए। प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कामना और निज से जुड़े बेहद आध्यात्मिक प्रसंग पर भी भारत जैसे सर्वपंथ सद्भाव वाले देश में विपक्षी दलों की नकारात्मक टिप्पणियां आई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के ध्यान पर सवाल खड़े किए तो भाजपा ने कहा कि मानो विपक्ष तो अब ध्यान साधना से ही घबराने लगा है। प्रधानमंत्री मेडिटेशन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है,
ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को मेडिकेशन की आवश्यकता है, और मोदी जी साइलेंट हो गए तो ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस इतनी वायलेंट हो गई। सवाल ये बनता है कि मोदी जी ना प्रचार कर रहे हैं ना प्रसार कर रहे हैं, केवल अपनी आस्था के केंद्र स्वामी विवेकानंद जी के रॉक मेमोरियल पर जाकर वो ध्यान लगा रहे हैं। अब मोदी जी बोले तब भी समस्या है इनको, मोदी जी मौन रहे तब भी समस्या है, और खड़गे जी कहते हैं कि घर में बैठकर करें। क्या मौन साधना करने के प्रति भी आपके मन में कितना भी द्वेष भरा हुआ है? क्या ये इसलिए भरा हुआ है क्योंकि आपका एजेंडा है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, या इसलिए कि आपका अभियान है कि जो भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म में शक्ति है उससे आपको लड़ना है? गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव प्रचार समाप्त होते ही ध्यान साधना के लिए चले गए। इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड के केदारनाथ की रुद्र गुफा को अपनी ध्यान स्थली के रूप में चुना था, और इस बार वे तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मग्न होने पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ खुद ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक नोट साझा किया है। प्रधानमंत्री ने उसमें लिखा है कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज इतने वर्षों के बाद जब भारत स्वामी विवेकानंद के मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक है, मुझे भी इस पवित्र स्थान का ध्यान करने का अवसर मिला। माँ भारती के चरणों में बैठकर मैं एक बार फिर अपने संकल्प की पुष्टि करता हूँ कि मेरे जीवन का हर पल और मेरे शरीर का हर कण हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर सामने आई है। पहले GDP बढ़ी और तो अब GST कलेक्शन के आंकड़े भी खुश करने वाले सामने आए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार मई 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर GST राजस्व 1.73 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये साल दर साल 10% की वृद्धि दर्शाता है। रिफंड के लेखांकन के बाद मई 2024 के लिए शुद्ध GST राजस्व 1.44 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.9% अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के मई माह तक 3.83 लाख करोड़ रुपए के सकल GST राजस्व संग्रह में 11.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि शुद्ध राजस्व में 11.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई 2024 में घरेलू सकल GST राजस्व 15.3% बढ़ा है। वहीं दिल्ली शराब घोटाले के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई है। आज दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल द्वारा मेडिकल आधार पर दायर अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने आदेश सामने के सुनाने के लिए 5 जून की तारीख तय की है। कोर्ट ने केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार किया है। कल दोपहर 3 बजे तिहाड़ जेल में उन्हें सरेंडर करने के लिए जाना होगा। इस खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है शुद्ध है MDH, मिर्ची धनिया हल्दी असली मसाले सच सच MDH, MDH, गैलेंट एडवांस रैबर निर्माण का रियल हीरो गोल्डी किचन किंग मसाला गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं गोल्डी मसाले और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी कुटने टेकेगा। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 सिर्फ DD न्यूज पर। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। बड़ा मिथक देशद्रोह को लेकर है कि राजद्रोह का नया रूप देशद्रोह है। असल में औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए लागू की गई राजद्रोह की धाराओं को हटा दिया गया है। सरकार के प्रति नफरत पैदा करने वाली अभिव्यक्तियों को अपराधीकरण से परे रखा गया है जबकि देश की अखंडता की रक्षा पर खतरा पैदा करने वाले सशस्त्र विनाशकारी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान है। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह देश की राजनीति आम जन की कहानी विदेशों की हलचल कारोबार का गुणा भार खेल का मैदान मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है शुद्ध है MDH, मिर्ची धनिया हल्दी असली मसाले सच सच MDH, MDH, गैलेंट एडवांस रैबर निर्माण का रियल हीरो समर कूल कूलर जो हर दिल करे कबूल समर कूल और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी कुटने टेकेगा। अंतिम पड़ाव में पहुंचा आम चुनाव अब आई फैसले की बारी कौन पड़ेगा किस पर भारी देखिए सबसे सटीक सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ DD न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक